नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनबी पाठशाला। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, एक नवोद्यान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय में पढ़ने के 10 बेनिफिट्स। वैसे नवोदय विद्यालय में पढ़ने के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नवोदय का मतलब ही होता है नव धन उदय, यानी एक नए जीवन की शुरुआत। तो इसी पे हम आज डिस्कस करेंगे और मैं आपको 10 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो मतलब आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, जो आपको अंदर से मोटिवेट करेगा एक नवोदय को लेकर। तो जो मैं इन 10 टॉपिक्स को बताऊंगा तो इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं है जो आप नॉर्मली मतलब जानते होंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वहाँ पे फ्री का एजुकेशन मिलता है, आपको फ्री का खाना मिलेगा, आपको जो टेक्स्ट बुक मिलेगा वो भी फ्री मिलेगा। इन सब चीजों पे मैं बात नहीं करूंगा। वहाँ के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करूंगा, जो मतलब स्पेशल फैकल्टी होता है, जो स्पेशल फैसिलिटी होता है, इन सभी पे मैं बात करूंगा। तो नंबर 1, वेल क्वालिफाइड टीचर्स। क्योंकि अगर हम नवोदय विद्यालय की बात करें, एक स्कूल की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले टीचर्स का ध्यान रखा जाता है कि टीचर्स कैसे हैं। तो टीचर्स जो होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं। ज्यादातर टीचर्स टीजीटी और पीजीटी होते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। और जो टीचर्स की सैलरी होती है वो अप्रोक्स हर एक टीचर की सैलरी 60,000 से अबव होता है, पीछे से भी आप गेस कर सकते हो। और यहाँ तक कि हर एक कुछ सालों के बाद से टीचर्स को चेंज भी कर दिया जाता है। अगर आपको किसी टीचर्स की पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं है तो एक ही सब्जेक्ट के 3-4 टीचर्स होते हैं, तो आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, या किसी टीचर का ट्रांसफर भी 4-5 सालों के बाद कर दिया जाता है। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट होता है। नंबर 2, इन्वायरमेंट या एटमोसफियर। जो वहाँ का एक इन्वायरमेंट और एटमोसफियर होता है वो मतलब गजब का होता है। क्योंकि अगर आप जिस क्लास में जाते हो, जितने बच्चे होते हैं सब कंपटीशन से आए होते हैं, सब एक से बढ़कर के एक टॉपर होते हैं, तो वहां पे मतलब आप नहीं भी चाहोगे पढ़ना ना, तब भी आपके अंदर से आएगा यार वो पढ़ रहा है, मेरा अपोनेंट पढ़ रहा है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा ना तो वो मेरे से ज्यादा मार्क्स ला लेगा, या वो मेरे से ज्यादा नॉलेज उसके पास हो जाएगा। और ये चीज सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं होती है, स्पोर्ट में भी होती है। मतलब अगर आप गेम खेलते हो, कोई आपका दोस्त आपसे अच्छा कोई गेम खेलता है, तो वहां पे भी आपके अंदर एक कंपटीशन आएगा। तो इस तरीके का कंपटीशन जरूरी भी होता है हमें इस दुनिया से फाइट करने के लिए। मतलब आप उस चार दीवारी में रह करके भी आसमान में उड़ना सीख रहे हो, एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो। नंबर 3, ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो ये जो टर्म है, ये जो नवोदय विद्यालय समिति है, ये खुद मेंशन करती है कि नवोदय का मोटो ही यही है कि हर एक स्टूडेंट में ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। सिर्फ जो स्टूडेंट होना चाहिए वो सिर्फ पढ़ने में ही अच्छा नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट में अच्छा होना चाहिए, उसका पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, उसकी स्पीकिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। मतलब उसको हर एक चीज में परफेक्ट बनाने की कोशिश किया जाता है, हर एक चीज के लिए उसको मंच दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़ सके। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। तो नॉर्मली क्या है, जो हॉस्टल होता है तो हॉस्टल की सबसे खास बात होती है टाइमिंग। पता है कि किसी भी हॉस्टल में टाइम का काफी मतलब अहम रोल होता है। तो नवोदय विद्यालय भी एक हॉस्टल, एक रेसिडेंशियल स्कूल है, तो वहाँ पे भी मतलब टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा है। आपको 5 बजे सुबह से उठने से लेकर के आपके 9 बजे तक सोने तक का पूरा शेड्यूल है कि कितने समय तक आप मतलब आपको कितने समय तक पढ़ना है, कितने समय तक खेलना है, कितने समय तक आपके पास फ्री टाइम रहेगा, कितने समय तक मतलब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, इन सभी चीजों का रूटीन बना हुआ है। तो ये काफी मतलब बेटर होता है। अगर 7 सालों, इमेजिन करो कि 7 सालों तक अगर रोज आपको सुबह उठाया जाए, तो क्या आपकी मतलब एक लाइफ टाइम हैबिट नहीं बन जाएगी कि आप ऑटोमेटिक सुबह उठने लगोगे। और आपको पता भी है कि सुबह न उठना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स की। और जो टाइम की वैल्यू है ना, ये मतलब आप पूछो मत। जैसे ही आप वहाँ पे स्कूल से है, और स्कूल के बाद से जस्ट आपको खाना खाने के लिए जाना रहता है, उसी 10 मिनट में 5 मिनट में ही आपको अपना ड्रेस चेंज करके फ्रेश होकर के और खाना खाने जाने रहता है। तो ये जो टाइम की वैल्यू है ना, ये मतलब स्पेशली नवोदय में तो मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ, इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। 5वां पॉइंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मतलब एक जो एक लड़का 6th क्लास में एक नॉर्मल लड़का गया रहता है, जो सिर्फ पढ़ने में तेज रहता है, उसको मतलब हर एक फील्ड में एक्सपर्ट बना देना, ये मतलब नवोदय के टीचर्स और नवोदय के इन्वायरमेंट से अच्छा आपको कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। आपके सामने मैं ही हूँ, मैं जब 6th क्लास में गया था तो मैं बिल्कुल खुद ही नहीं बोलता था, लेकिन वहाँ पे आपको हर एक चीज़ होता था, तो वहाँ पे मुझे पार्टिसिपेट में करने लगा, धीरे धीरे मतलब खुल करके बोलने लगा, मुझे वैसा मंच मिला मतलब, तो मैं आज इस लेवल पे हूँ, आपके सामने हूँ, आप खुद ही देख सकते हो। तो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसका स्पेशल कोर्स भी कराया जाता है बहुत जगहों पे, लेकिन मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर नवोदय विद्यालय में आप पढ़ रहे हो और आपके अंदर अगर मतलब एक क्यूरियोसिटी है, अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, तो
बॉडी आप खुद को एक्स्ट्रा अचीव कर लोगे, मतलब आप खुद की पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो। छठा हमारा ऑप्शन है स्पोर्ट फैसिलिटी। अब ये जो स्पोर्ट फैसिलिटी है, यानी जो गेम की फैसिलिटी है, ये आपको सुनने में काफी नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये नॉर्मल स्कूलों की तरह नहीं है कि सिर्फ आपको खेलने की आजादी है। नहीं, अगर आप खेलने में अच्छे हैं तो आपको मतलब आप दूसरे स्टेट में भी जाकर के खेल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप वहां पे अच्छा करते हैं तो आपको एसजीएफआई स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया वहां तक आप पहुंच सकते हैं। अगर वहां से आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो उससे आपको आगे किसी भी जॉब पाने में मतलब काफी हेल्प मिलेगा। और स्पोर्ट में भी आपकी काफी अच्छी रुचि है तो आप चाहो तो वहां पे भी अपनी कैरियर बिल्ड कर सकते हो एज अ नवोदयन होते हुए। तो अब बात करते हैं हम अपने सातवें बेनिफिट की, तो उसमें है हमारा म्यूजिक आर्ट प्लस मेडिकल फैसिलिटी। तो अभी ये क्या है, एक एक को हम समझते हैं। तो सबसे पहला म्यूजिक, तो वहां पे आपको अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो तो आप आसानी से वहां पे सीख सकते हो। वहां पे मतलब म्यूजिक की भी क्लासेस चलती है, तो वहां पे मतलब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, हमेशा जो प्रेयर कराया जाता है उसमें जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है वो सभी के सभी बच्चे ही बजाते हैं। अब बात करते हैं हम आर्ट यानी ड्राइंग की, तो वहां के जो बच्चे होते हैं मतलब हर एक लड़का एक आर्टिस्ट होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, मतलब हर एक लड़का एक कलाकार होता है। जहां पे मतलब हर एक लड़का को वहां पे मतलब आर्ट बनाने एकदम अच्छे से आता है, इस तरीके के वहां के आर्ट टीचर्स होते हैं। मतलब वहां पे सिर्फ आपको आर्ट बनाने की ही कला नहीं सिखाई जाती है, आर्ट की क्या वैल्यू है, आर्ट को किस दृष्टि से देखा जाता है। जैसे तारे जमीन पे आपने जो मूवी देखा है आप वैसा समझ सकते हो कि वैसे आर्ट के टीचर होते हैं वहां पे, क्योंकि जो टीचर होते हैं उनको हर एक उनको पर ईयर जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, तो उन्हें ट्रेन किया जाता है कि उनको कैसे बच्चों को पढ़ाना है। अब हम बात करते हैं आठवीं फैसिलिटी की, तो आठवां फैसिलिटी मतलब थोड़ा 12th क्लास के बाद से रिलेटेड है कि जो नवोदय में बच्चे पढ़ते हैं उनका मतलब कैरियर कैसे बिल्डअप होता है। तो ज्यादातर मतलब जो नवोदय की वेबसाइट से जो मैंने डेटा देखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद डेटा देख सकते हो। तो ये डेटा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये नवोदय विद्यालय के मेन वेबसाइट से लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लास 10th में जो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस रहा वो कैसा रहा, मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो यही हमें दिखाया जा रहा है। और ये 2001 से लेकर के 2019 तक का पूरा डेटा है। 12th का भी आप देख सकते हो, उसका भी परफॉर्मेंस 2001 से 2019 तक का पूरा दिखाया गया है परसेंटेज वाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब दिखाया जा रहा है परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन सीबीएसई एग्जामिनेशन 2019 का एग्जाम का सीबीएसई का दिखाया जा रहा है कि कितने बच्चों ने कितना बोर्ड में कितना अच्छा मार्क्स किया है, यही सब दिखाया जा रहा है दोनों क्लासेस को। तो इसको आप देख सकते हो, देख रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2019 में, मतलब आप देख सकते हो कि जो जेई मेन्स में है उसमें 11,000 बच्चों ने अप्रोक्स फॉर्म अप्लाई किया था नवोदय विद्यालय से और क्वालिफाइड हुए 4,000 के करीब। और उसमें से जो एडवांस के लिए फर्स्ट लिस्ट में आए उनमें से 966 बच्चे थे। अब नीट में भी आप देख सकते हैं कि 16,000 बच्चे ने अप्लाई किया और उसमें से क्वालिफाई भी हो गए 12,000। तो ये जो नीट में है मतलब कुछ ज़्यादा परसेंटेज है अप्रोक्स आईआईटी को देखें तो। अब हम बात करते हैं अपने 9th बेनिफिट की, तो 9th बेनिफिट है हमारा थर्ड लैंग्वेज यानी रीजनल लैंग्वेज। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे अदर स्कूलों में आपने देखा होगा कि थर्ड लैंग्वेज के जगह पे कहीं कहीं संस्कृत पढ़ाया जाता है या किसी बड़े स्कूल में फ्रेंच पढ़ाया जाता है, तो इस तरीके से वहां पे क्या है कि मतलब नवोदय विद्यालय क्या है कि आपको एक इंडियन कल्चर से जोड़ करके रखता है। तो वहां पे एक बेनिफिट मिलता है कि आपको मतलब हर एक नवोदय विद्यालय में अपने ही इंडिया का कोई ना कोई एक रीजनल लैंग्वेज सिखाया जाता है। जैसे कि हम लोगों में मणिपुरी सिखाया जाता है, तो वैसे ही हर एक नवोदय विद्यालय में कहीं उड़िया सिखाया जाता है, तो कहीं कनक सिखाया जाता है, तो कहीं नेपाली सिखाया जाता है, तो कहीं बंगाली सिखाया जाता है, तो कहीं गुजराती सिखाया जाता है, तो कहीं मराठी सिखाया जाता है। इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज हर एक जगह सिखाया जाता है, तो ये काफी मतलब अच्छा बेनिफिट लगता है। और जो टीचर्स रहते हैं वो भी उसी स्टेट के रहते हैं जिस स्टेट का पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग का मणिपुर का पढ़ाया जाता है, तो जो टीचर्स हैं वो मणिपुर से ही आए हैं। तो ये इससे क्या बेनिफिट होता है कि आप एक अलग कल्चर को जानोगे प्लस एक अलग लोगों से मिलोगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे और तब लैंग्वेज सीखोगे। तो इससे एक मतलब काफी बेनिफिट होता है। और मैं आपको एक एडिशनल में एक और बेनिफिट बता देता हूँ माइग्रेशन की। अगर आप क्लास 9th में होते हो तो क्लास 9th में आपको अपने नवोदय विद्यालय से मतलब कुछ स्पेशल बच्चों को चुन करके उनको दूसरे जगह पे दूसरे राज्य में भेजा जाता है। मतलब जैसे मैं मणिपुरी का लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, थर्ड लैंग्वेज है, तो जैसे हम लोग को मणिपुर भेजा जाता है माइग्रेशन के लिए, साल भर सिर्फ पढ़ने के लिए वहां पे। तो जब साल भर के लिए वहां पे आप जाओगे और मणिपुर के बच्चे तुम्हारे नवोदय विद्यालय में आएंगे, इस तरीके से चेंज किया जाता है ताकि आप वहां के कल्चर को सीख सको, वहां की भाषाओं पे अपनी और अच्छी पकड़ बना सको। तो ये भी एक काफी अच्छा बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट बेनिफिट की।
तो है हमारा 7 ईयर वर्सेस 70 ईयर। अब ये क्या है मतलब, तो इसको आपको थोड़ा मतलब मैं आपको समझाता हूँ ब्रेक डाउन करके। जैसे नवोदय विद्यालय में आप 7 साल पढ़ते हो तो क्या है ना कि मतलब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 7 साल अगर आप नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हो तो आपका एक ही मोटो होना चाहिए कि 7 साल यही एक टाइम है जिसमें आप अपने जीवन के पूरे मतलब लक्ष्य को, अपने फोकस को एकदम लगा दो, अपनी जितनी स्ट्रेंथ विल पावर है सभी को लगा दो ताकि आपकी जो लाइफ की 70 साल है वो अच्छे से बीते। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखो कि अगर आपने इन 7 सालों में नवोदय में जाकर के अगर उसका सिर्फ अपने सिर्फ जाकर के वहां पे मजे किया, मजे लिया, तो फिर तो जो आपके जीवन के 70 साल है तो 70 साल आपके मजे लेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 7 साल आपको फोकस रखना है और 7 सालों में ही अपनी ऐसी कैरियर बनाना है, खुद को ऐसा बनाना है कि आपके 70 साल संभल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं नीचे कमेंट करना। फिर होगी अगली मुलाकात जेएनबी पाठशाला के साथ। मेरी आन नवोदय, मेरी शान नवोदय, हर सांस में तू ही तू।